हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रोमन नंबर सिस्टम को देखेंगे। यहां से रिसेंटली ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो पहले हम लोग इसके थ्योरी को देखेंगे और फिर इसके बाद इसके ऊपर आधारित जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। रोमन नंबर सिस्टम में देखिए, हम लोग इतने लेटर का उपयोग करेंगे, जैसे आई से हम लोग दर्शाते हैं किसको, एक को दर्शाते हैं, ठीक है। भी से किसको दर्शाते हैं हम लोग, दो, सॉरी, भी से किसको दर्शाते हैं हम लोग, पाँच को दर्शाते हैं। एक्स से किसको दर्शाते हैं, दस को। एल से दर्शाते हैं हम लोग पचास को। सी से दर्शाते हैं हम लोग सौ को। डी से 500 को और एम से हम लोग दर्शाते हैं 1000 को। अब चलिए, यह बात तो ठीक है, लेकिन हम याद कैसे रखें। तो देखिए, याद रखने के लिए ना, यहाँ से पहले तक का वैल्यू तो आपको याद है, क्योंकि कभी ना कभी आप इसका उपयोग किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि संख्याओं को लिखने के लिए आप प्रयोग कर चुके हैं, तो जनरली ये हमारे प्रयोग में आता है, इसलिए हमको याद रहता है। एक के लिए आई, पाँच के लिए भी और दस के लिए एक्स का प्रयोग करते हैं। अब आगे का हम लोग याद रखते हैं, तो आगे आपको एक शब्द याद रखना है, LCD। LCD TV होता है, LCD मॉनिटर होता है, LCD आपको याद रखना है। अब LCD का मतलब क्या होगा, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500। 50 100 500, LCD। L का मतलब 50, C का मतलब 100। C से वैसे भी सेंचुरी होता है, C से वैसे भी सेंचुरी होता है और सेंचुरी का मतलब 100 होता है, तो C से 100, D से 500 और आखिरी में है हमारा M, तो M का मतलब क्या हो जाएगा, M का मतलब हो जाएगा 1000। तो यहाँ तक ही आपको वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मेरे साथ साथ आपको याद रखना है, आई भी एक्स, यह आपको तो पता है, 1 5 10। आगे LCD याद रखना है, L का मतलब कितना, 50, C का मतलब 100, C से सेंचुरी भी होता है, और D का मतलब 500, और आखिर में है M, M का मतलब कितना हो जाएगा, 1000। चलिए, इतना क्लियर हो चुका है, आप वैल्यू याद कर चुके हैं। अब यहाँ पे ना, किसी भी संख्या को रोमन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना होता है, जिसमें से रूल नंबर एक देखिए क्या है। रूल नंबर एक है, दो नियम है, इसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस को, कोई भी संख्या को हम रोमन में कन्वर्ट करेंगे। रूल क्या है, देखिए, आई, देखिए रूल है आपका कि आई एक्स सी एम ही रिपीट करेगा, वह भी अधिकतम 3 बार। यानी किसी भी संख्या को रोमन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इसमें से जो कुछ वैल्यू है उसको, कुछ लेटर को हम रिपीट करेंगे, लेकिन सभी लेटर को रिपीट नहीं करेंगे, कुछ ही लेटर को रिपीट करेंगे। उसमें से किसको किसको, तो आई एक्स सी एम, देखो हम आई को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, एक्स को रिपीट कर सकते हैं, सी को रिपीट कर सकते हैं और एम को रिपीट कर सकते हैं। किसको किसको रिपीट करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई एक्स सी एम, इसको ही रिपीट करेंगे, इसके अलावा और किसी को रिपीट नहीं करेंगे। तो जो रिपीट हो रहा है उसको आप गौर से देखिए, आई मतलब 1, एक्स मतलब 10, सी मतलब 100 और एम मतलब 1000। जो भी रिपीट करेगा उन सब में एक कॉमन चीज़ यह है कि देखिए, आई मतलब कि यहाँ भी 1 है, एक से यहाँ भी 1 मिलेगा, सी यहाँ भी 1 मिलेगा, एम यहाँ भी 1 मिलेगा, यानी एक वाला ही रिपीट करेगा, मतलब 1, अब 10 गुना करिए, 10 रिपीट करेगा, फिर 10 गुना करिए, 100 रिपीट करेगा, 1000 रिपीट करेगा, 1 1 पर 1 0 10 रिपीट करेगा, 1 पे 2 0 100 रिपीट करेगा, 1 पर 3 0 1000 रिपीट करेगा। पुनः सुनिए, क्या कौन कौन रिपीट करेगा, रिपीट करेगा आपका 1 10 100 और 1000। 1 यानी कि आई, 10 यानी कि एक्स, है ना, 100 यानी कि सी और एम, 1000 यानी कि एम। तो यही चारों रिपीट करेगा, आई एक्स सी एम, इसके अलावा और कोई रिपीट नहीं करेगा। और जो रिपीट करेगा भी, वह भी अधिकतम कितना बार रिपीट करेगा, 3 बार। 3 से ज़्यादा बार इसको भी हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को लिखने के लिए। अच्छा, रिपीट करने का मतलब क्या हुआ, तो इसको भी आप समझ लो। जैसे हमें लिखना है, अगर हमें लिखना है 1 तो आप ऐसे लिखते हो, 2 लिखना है तो इस तरीके से आई को 2 बार लिखते हो, 3 लिखना होगा तो आई को 3 बार लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो ना। तो देखो, आपने रिपीट किसको किया, आई को रिपीट किया, तो आई को हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, और अधिकतम कितना बार, 3 बार। अब 4 लिखना होगा तो हम इस तरीके से 4 लाइन नहीं दे सकते हैं, यह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आई एक्स सी एम यह चारों रिपीट तो करेगा, लेकिन अधिकतम कितना बार रिपीट करेगा, 3 बार, तो 3 से ज़्यादा बार हम लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे। इन चीज़ों को आप एक बार समझ लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए रोमन नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या को कन्वर्ट करना। अब आगे देखिए, उसी तरीके से 10, तो 1 बार लिखेंगे 10 होगा, 2 बार लिखेंगे 20 हो जाएगा,
तीन बार अगर लिख देंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन क्या हम इसको चार बार लिख सकते हैं? नहीं, हम इसको चार बार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकतम कितना बार रिपीट करेगा? अधिकतम तीन बार रिपीट करेगा। उसी तरीके से एक बार सी लिखेंगे तो 100 होगा, दो बार सी लिखेंगे तो 200 हो जाएगा, तीन बार सी लिखेंगे तो 300 हो जाएगा, और तीन से ज़्यादा बार तो हम लोग इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से एक बार एम लिखेंगे तो 1000, दो बार एम लिखेंगे तो 2000 हो जाएगा, और तीन बार अगर हम M लिख दिए तो 3000 हो जाएगा, और इससे ज़्यादा बार आपका रिपीट नहीं करेगा। तो रिपीट I X C M ही करेगा, लेकिन वह भी अधिकतम कितना बार? वह भी अधिकतम आपका तीन बार रिपीट करेगा, तीन से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेगा। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, एक नियम और आपको ध्यान में रखनी होती है, वह देखिए, यहाँ पर गलती से हम बड़ी लिख दिए हैं, यहाँ पर छोटी होगा, ठीक है? क्या है? छोटी वैल्यू, गौर से देखिए, छोटी वैल्यू अगर बाद में आए तो क्या होगा? प्लस होगा, और छोटी वैल्यू अगर पहले आए तो क्या होगा? माइनस होगा। यानी कि छोटा वैल्यू अगर बाद में आ जाए तो प्लस, और अगर पहले आ जाए तो माइनस। जैसे देख लीजिए, यह हमारा कितना है? 10। एक्स से हम लोग किसको दर्शाते हैं? 10 को दर्शाते हैं, और आई का मतलब क्या होता है? 1। तो यह छोटा वैल्यू है, यह बड़ा वैल्यू है। तो छोटा वैल्यू देख लीजिए, इस बार कहाँ आया है? बाद में, तो मान प्लस हो जाएगा। एक्स 10, आई 1 10, और 1 11 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यह जो छोटी वैल्यू है आई, इसको अगर पहले लिख दे, देखिए छोटी वैल्यू कहाँ आया है? पहले आया है, तो माइनस हो जाएगा। एक्स यानी कि 10, आई यानी कि 1, 10 में से 1 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 9। छोटी वैल्यू अगर बाद में आए तो प्लस, और पहले आए तो क्या होगा? माइनस। जैसे देखिए, सी का मतलब कितना हो जाएगा? 100। सी का मतलब 100 हो जाएगा, और एक्स का मतलब कितना होता है? 10। तो छोटा वैल्यू है x, इससे तो छोटा वैल्यू है ना, यह 100 है, यह 10 है, बाद में आया है, तो प्लस हो जाएगा। 100 और में 10 जोड़ेंगे, 110 हो जाएगा। लेकिन यह जो छोटा वैल्यू है x, यह अगर पहले आ जाए तो मान माइनस हो जाएगा। तो x c का मतलब 100 और x का मतलब 10, छोटा वैल्यू पहले आया है, तो 100 में से 10 माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका मान? 90 हो जाएगा, ठीक है? कितना वैल्यू हो जाएगा? यह 90 हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने आपको बताया है कि रूल नंबर 2 यह है कि छोटी वैल्यू अगर बाद में आए तो प्लस हो जाएगा, और पहले आए तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कुछ संख्याओं को लिखना है, सपोज करें कि आपको अगर 10 लिखना है, तो पता है आपको कैसे लिखना है 10, इस तरीके से लिखेंगे। 20 लिखना है तो इसी को दो बार लिखेंगे, 30 लिखना है तो इसी को हम तीन बार लिखेंगे। अब 40 लिखना है, देखिए यह हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। यह कितना हो गया हमारा? 20 हो गया। क्लियर? यह कितना हो गया? 30 हो गया। अब 40 लिखना है तो इसको तो हम चार बार नहीं लिख सकते हैं, तो आप 50 लिख लीजिए। 50 के लिए वैल्यू क्या होता है? L, और 50 और x पहले लगा दीजिए, तो 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, यही सब वैल्यू लिखने में कन्फ्यूजन होती है। 30 तक में तो तीन बार x लिख सकते हैं, लेकिन अब इसको चार बार तो आप नहीं लिख सकते हैं, अधिकतम तीन बार ही रिपीट होता है। तो 50 लिखेंगे और 50 से पहले 10 लिखेंगे, 40 हो गया। अब हमें 50 लिखना है तो सीधे L लिख दिए, 50 हो गया। अब आगे हमें 60 लिखना है तो L के बाद X लिख दिए, 60 हो गया, ठीक है? 70 लिखना है तो L के बाद दो बार X लिख देंगे, 70 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हमें देखिए 80 लिखना है तो L के बाद तीन बार X लिखेंगे, हम कितना बार X लिखेंगे? तीन बार X लिखेंगे, 80 हो जाएगा। अब हमें 90 लिखना है, हमें क्या लिखना है? अब हमें 90 लिखना है, तो सोचिए जरा सा कि क्या हम L के बाद चार एक्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 100 लिखेंगे, तो 100 का मतलब कितना? C, 100 होता है। और 90 लिखना है तो 100 में से 10 माइनस करना है, तो पहले छोटी वैल्यू लिख लीजिए, 90 हो गया। C का मतलब 100, पहले एक्स लिख देंगे तो 10 माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 10 कितना हो गया? 90। अब 100 अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे? सीधे C लिखेंगे। क्लियर? सीधे क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। उसी तरीके से 110 तो सी के बाद एक्स, 120 तो सी के बाद दो बार एक्स, 130 तो सी के बाद तीन बार एक्स, ठीक है? 130 अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? सी के बाद कितना बार एक्स लिखेंगे? 1, 2, 3। पहले सीधा जाने का हम प्रयास करेंगे, अगर सीधा में काम नहीं होगा तब पीछे वैल्यू लिखेंगे। अब 140, तो क्या 140 के लिए हम सीधा जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो पहले हम लिख दिए सी, सी का मतलब कितना हो गया? 100। अब 140 लिखना है तो L का मतलब 50, और 50 के पहले 10 लिख लीजिए, देखिए यह कितना हो गया आपका? 140 हो गया। उसी तरीके से अगर हमें 200 लिखना है तो दो बार सी लिखेंगे, 300 लिखना है तो तीन बार सी लिखेंगे, 400 लिखना है तो पहले हम क्या लिखेंगे? 500 लिखेंगे, और 500 के पहले सी लगा देंगे, 400 हो गया। डी यानी कि 500, और 500 के पहले सी लगा देंगे, 400 हो जाएगा। अब डी के बाद अगर हम सी लिख दिए तो 600, दो बार सी लिख दिए 700, तीन बार सी लिख दिए तो 800, चार बार तो नहीं लिख सकते हैं, तो अब 1000 लिख लीजिए। एम का मतलब 1000,
1000 के पहले सी लगा दिए तो 1000 में से 100 माइनस हो जाएगा, 900 हो जाएगा। एम का मतलब 1000 होता है, 1000 के बाद सी लगा दिए है ना, कितना हो गया 1000 के बाद सी लगा दिए तो 1100 हो गया। एम को दो बार लिख दिए तो 2000 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू को अब लिख सकते हैं रोमन नंबर सिस्टम में। ओके चलिए, तो आइए हम क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, पहला क्वेश्चन है 633 को हमें लिखना है रोमन नंबर में। आप ऐसा करो, इसको सबसे पहले तीन अंकों में लिखिए तो 600, उसके बाद दो अंकों में लिखिए तो 30, और उसके बाद एक अंक में लिखिए तो 3, 633 हो जाएगा। हमेशा आप इस तरीके से कर लीजिएगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा, तब आप सीधे देख के उसका उसको रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तीन अंक में, फिर दो अंक में, फिर एक अंक में। अब 600 को लिखिए तो देखिए एम का मतलब सॉरी डी का मतलब कितना होता है 500, और सी का मतलब 100, तो 500 और 100 600 हो गया। अब 30 लिखना है तो कितना बार एक्स लिखेंगे, तीन बार एक्स लिखेंगे 30 हो गया, चलिए 630 हो गया। और तीन कैसे लिखेंगे, इस तरीके से तीन लिखेंगे, हो गया, या वैल्यू किसका हो गया 630 का, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 199, 199 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले तीन अंक में तो 100, उसके बाद दो अंक में तो 90, और उसके बाद एक अंक में तो 9, 199 हो गया। अब 100 के लिए बोलिए क्या लिखिएगा, सी लिखिएगा। 90 के लिए सी, और सी के पहले अगर हम एक्स लगा देंगे तो 90 हो जाएगा, होगा, सी का मतलब 100, और इसके पहले 10 लगा देंगे तो 90 हो जाएगा। ओके, और आगे 9 लिखना है तो 10 और 10 के पहले 1 लगा देंगे तो 9 हो जाएगा, यह कितना हो गया 199। उसी तरीके से आगे बढ़िए, 740 है, इसको भी तीन अंकों में लिखिए, पहले 700 और उसके बाद कितना 40, क्लियर, उसके बाद तो आगे जीरो ही होगा। अब 700 बोलिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए डी का मतलब कितना होता है 500, उसके बाद दो सी लगा दिए तो 700 हो जाएगा, 600 और एक 700। अब 40 लिखना है तो देखो एल का मतलब कितना होता है 50, और 50 से पहले एक्स लगा दिए, हो गया, यह कितना हो गया 740, 5 और 2 700, और 40 लिखना है तो 50 से पहले 10 लगा देंगे, 740 हो गया। ओके, उसी तरीके से 912 लिखना है, देखिए हमें क्या लिखना है 912, तो लिखिए सबसे पहले 900 लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे 10, और उसके बाद लिखेंगे 2, 912 हो जाएगा। चलिए 900 कैसे लिखे सोचिए, अगर हम m लिखते हैं इसका मतलब 1000, m के पहले c लगा दिए 900 हो गए, m के पहले c लगाएंगे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब हमें 10 लिखना है तो चलिए यह 10 हो गया, अब 2 लिखना है, हो गया, यह कितना हो गया आपका 912। उसी तरीके से 150 को लिखना है, 150 तो सबसे पहले 100 दो अंकों में लिखिए, और फिर पहले तीन अंकों में, फिर दो अंकों में, उसके बाद तो अंक बनेगा ही नहीं। अब देखो आप 100 का मतलब क्या होगा C, और 50 का मतलब क्या होगा L, तो 150 हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या को रोमन नंबर सिस्टम में बड़े ही आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ट्रिक के साथ। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहे, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य होता है, आपका जो कमेंट होता है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए आप अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।